के सोनहत में महाविद्यालय खोले लगभग 3 साल बीत गए हैं। इस बीच लाखों करोड़ों की बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन आज भी यहाँ के छात्र अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों को काफी लंबा सफर तय कर जाना पड़ता है। समय की पाबंदी और संसाधनों की कमी से छात्र परेशान हैं, जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई में नजर आ रहा है। छात्रों ने अब यहाँ परीक्षा केंद्र की मांग की है, जिसके लिए कुलपति के नाम SDM सोनहत को छात्र नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। बहुत तरीके से प्रॉब्लम होती है, स्पेशली सुबह, क्योंकि BSC वालों के एग्जाम सुबह 7 बजे से होती है। उस टाइम कोई कोई बस नहीं होती है और बैकुंठपुर दूर पड़ जाता है। शिक्षा केंद्र यहाँ पर नहीं होने से उनको बैकुंठपुर जा करके एग्जाम देने जाना पड़ता है। इस संबंध में हम लोगों ने अभी बात किया है, माननीय विधायक जी से भी बात हुई है और माननीय सांसद महोदय जी से भी बात हुई है और उनके संज्ञान में सारे तथ्यों को लाया गया है। अधिक जानकारी के लिए शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, जब भवन तैयार हो चुका है, चीजें आ गई हैं, तो किस और कौन कौन सी अव्यवस्थाएं हैं जो वहां पर नजर आ रही हैं, जिस वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं? जी, तो मैं बता दूं, ये सोनहत में लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं शासकीय नवीन महाविद्यालय खोला गया है, संचालित किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर आदिवासी जो क्षेत्र है, जहाँ पर से आर्थिक स्थिति भी बच्चों के माता पिता की सही नहीं रहती है और उन्हें ऐसे में 30 किलोमीटर लगभग तय करके कॉलेज तक आना होता है और उसके बाद फिर हर साल इन्हें परीक्षा देने के लिए यहाँ से जिला मुख्यालय पर केंद्र की स्थापना की जाती है। वहाँ इन्हें 60 किलोमीटर की दूरी तय करके ये परीक्षा देने के लिए जाते हैं, जिससे ये लगा तार मानसिक रूप से इन्हें प्रॉब्लम होता है और लगातार छात्र इसके लिए मांग कर रहे हैं कि 3-4 साल हो गए कॉलेज खुले, तो परीक्षा केंद्र की भी यहाँ पर स्थापना की जाए ताकि ये संपूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पर अपनी पढ़ाई को अंजाम दे सकें। जी, वहाँ पर आप पहुँचे होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स उनसे बात की होगी, किस तरह से अभी तक वो पहुँचते आ रहे हैं वहाँ पर और कौन कौन सी परेशानियाँ और हैं उन्हें? जी, जब हमने छात्रों से बात की तो उनका सीधे तौर पे यही कहना था कि यहाँ पे पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो भी ठीक ठाक ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि परीक्षा केंद्र यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशान हो करके संसाधनों के अभाव में और परीक्षा केंद्र तक पहुँच पाते हैं। वहाँ पे शिक्षक कितने पदस्थ हैं, क्या शिक्षक पहुँचते हैं समय पर इतना दूर होने के कारण? जी, शिक्षक यहाँ पर एक ही रेगुलर है और बाकी अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है, तो पढ़ाई तो ठीक ठाक ही हो रही है। जी, अब SDM को ज्ञापन सौंपा गया है, जिस तरह से मांग की गई है एग्जाम सेंटर की भी, तो क्या उनका इस पर क्या कुछ कहना था, क्या कुछ इस पर व्यवस्था की जाएगी जो बच्चे परेशान ना हो? क्योंकि हम देखते हैं रेगुलर तो स्कूल चले जाते हैं पर परीक्षाओं में ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को। जी, जब इस संबंध में हमने SDM साहब से बात की थी तो उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा कुलपति के नाम पे आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, इस विषय पे मैं गंभीर हूँ, जल्द से जल्द इसके लिए पहल की जा रही है ताकि बच्चों को पूर्ण रूप से सुविधा कॉलेज की यहाँ मिल सके। आपने जिस तरह से बताया इतना लंबा रास्ता है, तो बच्चे, मेरा वही पूछने का मतलब है कि वहाँ बच्चे कैसे पहुँचते, क्या कोई संसाधन है वहाँ पर पहुँचने का, क्या रोड ठीक है, किस तरह से वहाँ पर पहुँचते हैं स्टूडेंट्स? जी, वनांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो हाईवे रोड है वहाँ तक ही गाड़ी की सुविधा मिल पाती है और जैसे यहाँ पर जो मुख्यालय। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। राजेंद्र पांडे हमारे साथ, सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनहत की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर बच्चों की लगातार मांग है कि परीक्षा देने के लिए जो लंबा सफर उन लोगों को तय करना पड़ता है एग्जाम सेंटर के लिए, तो वो ना करना पड़े और उनके लिए कोई परीक्षा केंद्र दूसरा बनाया जाए, सेंटर दूसरा आए, तो इस पर भी जिस तरह से ज्ञापन सौंपा गया है, क्या लगता है आगे क्या कुछ उसमें एक्शन लिया जाएगा? जी, महाविद्यालय के छात्रों ने अवगत कराया था इस संबंध में जी, और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग को हम लोगों ने पत्र लिखा है। इसके अलावा माननीय विधायक जो राज्य मंत्री है हमारे गुलाब कमरो जी और माननीय सांसद महोदया जी को भी पत्र लिख करके अवगत कराया गया है और उनके माध्यम से आश्वासन मिला कि बहुत जल्द जो है सोनहत महाविद्यालय में ही परीक्षा केंद्र संचालित कराने के प्रयास किए जाएंगे। बाकी क्योंकि हम देखें तो अब परीक्षा जो बहुत ही नजदीक है, परीक्षा आने वाली है, बच्चों को परेशानियां होंगी, स्कूल में रेगुलर तो परेशानी होती है पर एग्जाम्स में ज्यादा होती है।
जी जी तो अब क्या लगता है फिर भी कब तक डिसीजन लिया जाएगा जो ये राहत की सांस ये बच्चे ले सकेंगे? अब देखिए बात हुई उच्च शिक्षा विभाग से भी और माननीय विधायक जी के द्वारा भी उच्च शिक्षा मंत्री से इस संबंध में बातचीत की गई है और हमें उम्मीद है कि 1 से 2 महीने के अंदर जो है परीक्षा सेंटर हमारा सोनहत चालू हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवानपुरा में मुआवजे की मांग कर